हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है टीयर 1, उसमें जनरल अवेयरनेस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका एग्ज़ाम अब अप्रैल में स्टार्ट होने ही वाला है, 12 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो लास्ट टाइम पर आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, वो टॉपिक्स तो आपको ज़रूर करने हैं, वो सारे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज रहती है कि हम प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कैसे लें। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम कैटेगरी चूज़ करनी है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया वो आपको चूज़ करना है। फिर आपसे एक प्लान वैलिडिटी पूछी जाएगी, वो आपको चूज़ करनी है, 24 मंथ्स आपको वहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद आपसे डिस्काउंट कोड पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको PMYT एंटर करना है। जैसे ही आप PMYT एंटर करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है आपका, ये आपको अभी सब्सक्रिप्शन लेना है, ज़रूर लेना है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर आपके काफ़ी सारे बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं। 17 मार्च से आपके काफ़ी सारे बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं, ऑलरेडी ऑनगोइंग भी काफ़ी सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। इस टाइम पे आप लोग का क्या है कि आपने तैयारी तो कर ली है, पढ़ सब कुछ लिया है, लेकिन क्रैश कोर्स के टाइप से आप कवर कर सकते हो, सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। तो बेस्ट टाइम है ये इस टाइम परचेज करने का। बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे, जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हो उनसे पढ़ सकते हो, जैसे CET ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, और भी बहुत सारे बैच हो गए। आपके क्रैश कोर्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं CHSL के लिए, CGL के लिए। तो लास्ट टाइम पर कैसे हम रिवाइज करें चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर करें, आपके टेस्ट भी रहते हैं, पेड टेस्ट भी रहते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। बेस्ट एजुकेटर्स उनके बेस्ट क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो आप लगा सकते हो। तो बिल्कुल सही टाइम है, इस टाइम पे आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लेना है। ध्यान रखना, जब भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लो तो PMYT अप्लाई कर देना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है रिवर्स, डैम्स एंड लेक्स। कोई कोई रिवर है उस पर कौन सा डैम लोकेटेड है, कौन सी लेक है जो कि न्यूज़ में रही, ठीक है। और वैसे भी इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं वो सारी आपको याद करनी रहती हैं। ये हो गया दूसरा आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा हो गया, बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा हो गया, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा हो गया, इस टाइप से काफ़ी सारे आपके वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं सोलर सिस्टम से। फिर आपका पॉपुलेशन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सेंसस, पॉपुलेशन या सेंसस कुछ भी आप कह लो, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, या फिर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपको पूरा कवर करना है। इसके साथ आपका नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, जो आपकी न्यूज़ में रही हैं, या फिर कोई नया नेशनल पार्क बना है, या किसी वजह से वो न्यूज़ में रहा है, या उसके आसपास कुछ ऐसा हुआ है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर हम ज्योग्राफी की बात करें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। अब यहाँ पर मैंने ये केवल 4 टॉपिक्स लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको यही पढ़ना है। मैं मान के चल रही हूँ कि आप सारा कुछ कवर कर चुके हैं। ये केवल वो टॉपिक्स हैं जो कि अगर आपने इनमें से कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो आपको नहीं छोड़ना है, या फिर आप सारा पढ़ चुके हो तो इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ये केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपका आता है इंडियन पॉलिटी। यहाँ पर आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, कुछ टॉपिक्स हमेशा ऐसे रहते हैं कि उन पर्टिकुलर टॉपिक से तो आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो केवल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके आपके आर्टिकल्स आपको थोड़ा देखना रहता है कि कौन से आर्टिकल में कौन सा है, दूसरा कौन सा कब अमेंड किया गया था अगर कुछ अमेंडमेंट उसमें किया गया। फिर आपका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स बहुत सारे हुए हैं, वैसे सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो आपको याद करने हैं, कौन से आर्टिकल के तहत वो अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, किस ईयर में हुआ था। फिर है आपका लोकसभा एंड राज्यसभा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा राज्यसभा से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कितने मेंबर्स हो गए, ये सब, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से बन सकते हैं, तो ये सारा आपको कवर करके जाना है। प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनकी पावर्स हो गई, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, कैसे अपॉइंट होते हैं, उनका इम्पीचमेंट हो गया, ये सारा आपको देख के जाना है। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अब जैसे हम बात करें GST का कौन सा आर्टिकल है, या फिर अमेंडमेंट हुआ तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू GST आया, तो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं, तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। और इसी में आप पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि हम बात करें कहीं के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं नहीं, तो वो आपको देख के जाना है, वो आपका पॉलिटी का टॉपिक भी हो गया, करंट अफेयर्स का टॉपिक भी हो गया।
और आपका ये यहाँ पर पॉलिटी में अगर हम आते हैं तो एससी और एचसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट एंड हाई कोर्ट, इसमें भी ये टॉपिक आपका आ गया। तो इस टाइप से आपको ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट देख के जाने हैं, क्या पावर्स होती है, कौन से आर्टिकल में इंक्लूड होता है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे रिमूवर होता है, ये सारा देख के जाना है। ये आपका हो गया इंडियन पॉलिटी की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न सब एक ही जगह मैंने यहाँ पर कर दिया है। सबसे पहले आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपको कवर करना है। फिर आपका दिल्ली सल्तनत, मेडिवल हिस्ट्री की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत ऐसा है जहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट अगर हम बात करें 2019 की तो 19 में भी और 18 में भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे गए हैं। मेडिवल हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस किया गया है तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। इसके साथ इंपॉर्टेंट वॉर्स हो गए, बैटल्स हो गए, कब कब हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे, किस किस से पार्टिसिपेट किया था, कौन उसमें जीता था, ठीक है, तो ये सब भी आपको देख के जाना है। फिर आपका 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे देख के जाने हैं अच्छे से। और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट्स वो भी हुए थे, चौरी चौरा हो गया इंसिडेंट, या और भी जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो सारे मूवमेंट्स आपको देख के जाने हैं, कब हुए थे, किस वजह से हुए थे, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है उससे रिलेटेड, तो वो भी आपको सब देख के जाना है। ये आपका हो गया हिस्ट्री का। उसके बाद हम आते हैं जनरल साइंस पर। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों ही आते हैं, तीनों ही मैंने एक जगह कंबाइन कर दिया है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एसआई यूनिट्स, जो कि आपका फिजिक्स में आता है, किसकी कौन सी एसआई यूनिट है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपका साउंड पर और लाइट पर, इन पर भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक्स ही। फिर आपका एटॉमिक एनर्जी, या फिर आप न्यूक्लियर एनर्जी बोल सकते हो, आपका हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन पर आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपका पीएच वैल्यूज़ पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि किसकी क्या पीएच वैल्यू है। जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं, ये बायो का टॉपिक आ गया आपका, जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड्स हो गई, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स हो गई, तो कहाँ पर कौन सी ग्लैंड सिचुएटेड है, उस पर आपका काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, ग्लैंड्स को आपको देख के जाना है। साथ ही बायो का आपका ये विटामिन एंड डिसीजेस, कौन सा विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। और कॉमन नेम्स, ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया, किसका कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा हो गया कॉमन नेम, तो इसका केमिकल नेम क्या है, इस टाइप से आपको देख के जाना है किसका क्या नेम है। ये सारे हमने डिस्कस कर लिए जनरल साइंस के टॉपिक्स। अब हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स, इसमें की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। सबसे पहले तो आपको ये डाउट रहता है कितने मंथ्स का करंट अफेयर करना चाहिए, तो जब भी आपका एग्ज़ाम है, ये केवल इस एग्ज़ाम की मैं बात नहीं कर रही, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आप मान के चलो 2 से 3 महीने जो उससे पहले के होते हैं एग्जाम के, वो तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से करके जाने हैं। मेजर पोर्शन आपको वहीं से दिखेगा करंट अफेयर्स में। इसके बाद आपको और जो कवर करना है वो है अप्रॉक्स 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने का आप कवर कर लोगे तो मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास टाइम है, अगर और करना चाहते हो तो 1 साल के आप कर सकते हो, एग्जाम से पहले के 1 साल के। अगर आपने एग्जाम से पहले के 1 साल के कर लिए तो वो बहुत रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ बाहर आना नहीं चाहिए। बट स्टिल अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर पहले से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो एग्ज़ाम से पहले के 2-3 महीने कर लो, उसके बाद टाइम मिले तो फिर एग्ज़ाम से पहले के 7-8 महीने तो कवर कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें भी अगर आप करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछोगे तो सबसे पहले तो डेज एंड थीम्स, कुछ डेज होते हैं, किस दिन वो डे मनाते हैं, नेशनल डे हो गया या फिर इंटरनेशनल डे हो गया, और किसी किसी की थीम रखी जाती है तो वो थीम्स भी आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं। समिट्स हो गए, इंपॉर्टेंट समिट्स, जैसे G20 का समिट हो गया तो वो कहाँ पे कराया गया, किसने होस्ट किया, उसमें कोई इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन साइन किया गया तो उसके बारे में, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, वो सब आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, जो बुक्स आपकी न्यूज़ में रही, अच्छा बुक्स एंड ऑथर्स ऐसा टॉपिक है जो कि आपका करंट अफेयर्स में भी आता है, साथ ही जनरल टॉपिक्स में भी आता है, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि फेमस है पहले से ही और वो हमेशा से पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में, तो दोनों टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स एंड ऑथर्स आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है गवर्नमेंट स्कीम्स, नई योजनाएं जो लॉन्च की गई हैं 2020 में लॉन्च की गई हों, या फिर आपका 2021 के स्टार्टिंग में जो लॉन्च की गई हों, या किसी वजह से कोई पुरानी योजना भी अगर है और वो न्यूज़ में रही है, तो वो भी आपको देखना है कि कब और किसने लॉन्च करी और किस जगह लॉन्च करी और उसका पर्पस क्या है। फिर आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, स्पेशली अगर कुछ इंटरनेशनल अवार्ड है और किसी इंडियन को दिया गया तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी देख के जाने हैं। फिर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है जो कि न्यूज़ में रही या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को कोई अवार्ड दिया गया, तो वो आपको अच्छे से देख के जाना है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, किसी पद पर किसी को नियुक्त किया गया, SBI के चेयरमैन बने, या फिर आपका
कोई और अपॉइंटमेंट किया गया है, चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं आपके अलग अलग हाई कोर्ट्स के, तो वो सारे ही आपको देख के जाने हैं। ओबिट्वरी यानी कि डेथ्स, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि जिसकी डेथ हो गई है, तो उस पर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इनकी डेथ हुई है ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे या फिर किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो वो आपको देख के जाना होता है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए करंट अफेयर्स के। ये हमने सारे ही सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लिए टॉपिक्स आपके। सबसे पहले ज्योग्राफी, फिर आपका इंडियन पॉलिटी, फिर आपका हिस्ट्री, फिर आपका जनरल साइंस एंड फिर आपका करंट अफेयर्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। अभी थोड़ा टाइम बचा है, इनको तो ज़रूर रिवाइज कर लो लास्ट टाइम पर, और इनमें से कोई भी आपका टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। इनमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। बाकी बेटा आपका SSC का कॉम्बैट भी कराया जाता है एवरी संडे। आप तैयारी चेक करना चाहते हो कि आपकी किस लेवल की तैयारी है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग अपनी देख सकते हो। जब एनरोल करोगे आपसे एक कोड पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको PMYT एंटर करना है। PMYT एंटर करते ही आप इसमें एनरोल कर लोगे। 100% फ्री है, हर संडे कराया जाता है 12 बजे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, और सब्सक्रिप्शन आपको लेना ही है क्योंकि ये बेस्ट टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, इस टाइम आपके क्रैश कोर्सेज हो गए, बैचेस हो गए, काफ़ी सारे लॉन्च किए जा रहे हैं, तो अच्छे से अपना रिवाइज करो और इसी बार सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल भी देरी मत करो इसमें, अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम में। जब सब्सक्रिप्शन लो 24 मंथ्स का सिलेक्शन रहेगा, बाकी आप 12 मंथ्स का भी ले सकते हो। कोड जब आपसे पूछा जाए, कोड ध्यान रखना PMYT एंटर करना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और जो क्रेडिट्स होते हैं उनको भी रिडीम कर लेना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आप किसी और कैटेगरी की तैयारी भी कर रहे हो, चाहे UPSC, SSC, बैंक, रेलवेज, IIT, JEE, नीट, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस टाइम अनअकैडमी। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्लास PDF, डाउट सेशंस, क्लास रिकॉर्डिंग, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और हर जगह जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो PMYT अप्लाई कर देना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।